और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लगा? डिफिकल्ट पोर्शन अब की बार बायोलॉजी था। इस बार बायोलॉजी था। वैसे कहते हैं नीट के एस्पिरेंट्स उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार कंपैरेटिवली कम, मतलब कम आसान था। अच्छा, मतलब हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री इजी थी। अच्छा, और जैसे बायोलॉजी में कैसे तुम्हें लगा कि टफ है? मतलब उसमें लेंथी क्वेश्चंस थे या पैटर्न चेंज कर दिया, बहुत टाइम लग रहा था उसमें, एसरसर रीजन डाल दिए बहुत सारे। अच्छा, एसरसर रीजन ज्यादा था इस वजह से टाइम लग रहा था। अच्छा, और मैं अगर बात करूं, तुम फर्स्ट टाइम दे रहे थे या ड्रॉपर हो? नहीं, ड्रॉपर हूं मैं। अच्छा, इससे पहले कौन सा वाला ईयर में दिया था एग्जाम? पिछले ईयर वाले, इससे पहले। अच्छा, तो वो डिफिकल्ट था कि वो वाला आसान था, कौन सा था? मतलब दोनों ही सेम थे, एक में फिजिक्स डिफिकल्ट थी, एक में बायोलॉजी डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब सही है। ओवरऑल पेपर मैं कहूँ तो कैसा था, मॉडरेट, डिफिकल्ट या इजी साइड? ओवरऑल मॉडरेट था। अपना कोई ड्रीम कॉलेज बताना चाहोगे? ड्रीम कॉलेज तो एमसी है। एमसी है। और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए लगभग? मतलब सारे करे हैं। सारे करे हैं। और कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो लगभग? एक्सेप्ट तो पता चलेगा घर पे। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।